स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल S2T में। आज के शो रॉकेट मंडे में हम बात करेंगे स्पेस टूरिज्म के बारे में। तो आइए जानते हैं। टूरिज्म के बारे में आपको ये समझना पड़ेगा कि आइडिया क्या है, कहाँ से लोग को इतना सपना आ रहा है कि स्पेस टूरिज्म एक चीज़ होगा। तो उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टूरिज्म में कितना पैसा है। तो एक आइडिया देने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए समझिए, 2016 में 7.6 ट्रिलियन डॉलर का पैसा इधर उधर हुआ टूरिज़्म के चलते। ये इतना बड़ा मतलब रकम है कि USA का अगर आप देखना चाहते हैं कितनी GDP है, मतलब पूरा देश का कितना कमाई है, वो सिर्फ 14 ट्रिलियन डॉलर पे है। 7.6 ट्रिलियन डॉलर टूरिज्म पे खर्च हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि टूरिज़्म कोई छोटा चीज़ नहीं। अगर आप इस 7.6 ट्रिलियन डॉलर का थोड़ा सा भी निकाल लेते हैं, आप बहुत सारे कंट्री को चला सकते हैं। और आपको सुनने को ही आता होगा कि काफ़ी सारे कंट्री में मतलब टूरिज़्म एक बड़ा सा इंडस्ट्री है, वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च होता है। और जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं, ये सेक्शन बढ़ता चला जाता है। और ठीक है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं शायद स्पेस प्रोग्राम तो और भी महंगा होगा। नहीं, स्पेस प्रोग्राम का आप ये समझिए, नासा का 2016 में बजट था 18.5 बिलियन डॉलर, मतलब एक दो जीरो कम है। तो समझ सकते हैं कि आप थोड़ा सा भी हिस्सा अगर टूरिज्म से निकालिए तो भारी भरकम आपको पैसा मिल जाएगा। तो ठीक है, अब आप बोलिएगा ठीक है वो तो कर लिए, बेचेंगे कैसे? मतलब कोई भी टूरिज्म, आप जैसे मान लीजिए दुबई में आप बड़ा सा बिल्डिंग बना दिए, कोई देखने क्यों आएगा? तो आपको बेचना पड़ेगा। तो बेचने के लिए यहाँ ये बहुत आसान है क्योंकि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है। मतलब एक्चुअली आप पृथ्वी के बाहर चले गए हैं। तो मतलब आप जैसे पहाड़ घूमने जाएंगे तो चलिए ठीक है, आप हिमालय एक बार घूम लिया, लगा मज़ा। फिर आप स्विस आल्प्स जाएंगे, आपको लगेगा ठीक ही तो है, मतलब वही तो चीज़ है। फिर आप चले गए न्यूजीलैंड का, वहाँ पर चले गए, वो आपको लगे अरे यार आप तो एक ही पहाड़ी चीज़ देख रहा हूँ मैं। तो समझ सकते हैं आपको धरती पे सब चीज़ का रिपीट दिखने लग जाएगा अगर आप काफ़ी घूमते फिरते हैं। तो इस कारण से सिर्फ ऊपर ही जाना जगह बसता है जहाँ पे आप एक्चुअली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड एक्सपीरियंस करेंगे। और 0G का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। जितने लोग यानी कि 800 लोग लगभग जो ऑर्बिट में हैं, ये सब बता सकते हैं कि अलग चीज़ है ये। इसको आप लिख नहीं सकते, इसको आप पिक्चर में दिखा नहीं सकते, इसको एक्सपीरियंस करना होता है। मतलब ये अलग चीज़ है, इसको बेचना आपके लिए मुसीबत नहीं आया, आपको बस ये करना है कि कम दाम में बेचा जा सके। तो फिर हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट्स के बारे में। तो गवर्नमेंट ये समझिए, गवर्नमेंट ये करना नहीं चाहता है। गवर्नमेंट क्यों नहीं करना चाहता? पहला बात आप ये समझिए कि जैसे आप इसरो कल को अगर जब भी जैसे रिसेंटली रॉकेट उन्होंने बड़ा सा लॉन्च किया, तो उस रॉकेट को बनाया जा रहा है कि ये ह्यूमन टेस्टिंग फ्लाइट के लिए करा है। तो ह्यूमन टेस्टिंग करें अगर एस्ट्रोनॉट करेंगे तो एस्ट्रोनॉट साइंस करेंगे, ये अगर आपके ये टूरिस्ट गए तो वो थोड़ी कुछ करेंगे। तो टूरिस्ट को ले जाना ले आना, मतलब एस्ट्रोनॉट जितना ही पैसा लगेगा लेकिन फ़ायदा आपका कुछ होगा नहीं। तो इस कारण से करना नहीं चाहते। दूसरा, अगर आप उनके इनकम के पॉइंट से देखिएगा कि बोले नहीं नहीं वो लोग चार्ज कर सकते हैं, तो देखिए आप ये समझना पड़ेगा कि अंधेर तो वो चार्ज नहीं कर सकते, उनको दाम तो सोच समझ के ही लगाना पड़ेगा। मतलब आप दुबई का चाहते हो टूरिज्म हो, तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि दुबई में एयरपोर्ट में घुसने का टैक्स आप लगा दो इतना ज़्यादा कि लोग घुसे ही ना। तो जनरली जैसे मान लीजिए 20 मिलियन डॉलर किसी ने दिया स्पेस शटल में जाने के लिए, तो नासा का लगभग करीब करीब 18 बिलियन का टिकट तो सीधे ही था। तो सिर्फ समझिए 2 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट उतना नहीं होता है, सुनने में बढ़ेगा कि इतना बड़ा रकम दिए, लेकिन उनका सब खर्चा निकालने के बाद अब देखिए प्रॉफिट बहुत छोटा हो जाता है। फिर अब ये समझिए, ये उनका प्रायोरिटी नहीं है, क्यों होगा? मतलब उनका काम है साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे करना। मतलब आप इसरो से बात करोगे तो वो ये मतलब टूरिज्म से ज़्यादा उनको ध्यान देना है कि भैया वेदर सेटेलाइट बेटर हो जाए, अपना नाविक सिस्टम जो है मतलब नेविगेशन सिस्टम वो बेटर हो जाए, थोड़ा और सेटेलाइट दे दिया जाए ताकि थोड़ा रिडंडेंसी रहे अगर एक सेटेलाइट खराब हो या वो हो। तो वो सब करने की जगह पर आप नहीं बोल सकते ना कि ठीक है आप तुम उतना खर्चा करो और ये करो, क्या बोलते हैं टूरिज्म बनाओ, तो इस पर उतना ये इनका प्रायोरिटी नहीं। लेकिन अगर इस वक्त आज जैसे अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आज आपको जाना है, आज आपके पास पैसा है और आज ही आपको जाना है, तो यही इकलौता ऑप्शन है। रस्कोस्मोनॉट काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स को ले जा चुका है और नासा भी काफ़ी लोग को ले जाए, जैक्सा इसरो और ईसा काम कर रहे हैं, गाड़ी खुली है लेकिन टाइम बाद पहुंच जाएगा। तो ये लोग ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है, पेड टूरिस्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा चुके हैं लेकिन बहुत कम लोग जाते हैं। मतलब समझिए अब पैसा भी बहुत लगता है और बहुत कम, मतलब कई लाख लोगों का रिक्वेस्ट रहता है, उसमें छांट के चुना जाता है कि जिसका सेहत अच्छा है। और लगभग लगभग आपको कहिए साल भर की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो समझिए कि आपको एक साल के लिए आप अपने जॉब में नहीं रहेंगे, तो आपका उतना पैसा उड़ सकता है उतना टाइम में। तो ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट नहीं और ना ही होना चाहिए, तो ठीक है चलिए प्राइवेट कंपनीज के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये स्पेस टूरिज्म का तिगड़म स्टार्ट किया गया था इसके चलते, वर्जिन गैलेक्टिक के चलते। आप ये समझिए वर्जिन गैलेक्टिक का ये जो शिप है, ये स्पेसशिप 2 है, स्पेसशिप 1 बनाया गया था जो कि पहला प्राइवेटली ओन्ड व्हीकल बना जो ऑर्बिट गया था, मतलब रीयूजेबल, मतलब ये लैंड किया फिर वापस लॉन्च किया गया, जिसको गूगल एक्स प्राइज़
एक्स प्राइस के लिए मतलब इनका पैसा मिला था इससे, तो आइडिया इन्होंने कर दिया, टेस्ट भी हो गया और इन्होंने बोला 2012 में हम कर देंगे। तो आप लोगों को तो पता ही है 2012 तो आके कब का चला गया। तो हुआ ये कि इन्होंने स्टार्ट तो कर दिया, एयरपोर्ट वेयरपोर्ट का जगह वगैरह खरीद लिए, गाड़ी स्टार्ट कर दिए, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जैसे जैसे काम करते जा रहे थे पता एक हर समस्या के चलते एक 10 और समस्या आ रहा था, हर समस्या का समस्या आ रहा था। और रिसेंटली तो एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक पायलट इनका ऊपर चला गया मतलब सीधे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि प्लेन बनाएंगे, प्लेन के नीचे रॉकेट लटकाएंगे, लेकिन आप अभी भी खतरनाक चीज़ पर बात कर रहे हो। रीज़न ये है कि हमारा प्लेन इतना सेफ इसलिए हो गया कि 1-2 लाख प्लेन प्रतिदिन उड़ रहे हैं, मतलब छोटा बड़ा सब मिला लीजिए। तो उतना एक्सपीरियंस को आप रॉकेट से कहाँ से कंपेयर करोगे? रॉकेट तो मतलब 1-2 लाख रॉकेट अभी तक उड़े हैं, मतलब 50 साल में अभी तक उतने रॉकेट उड़े हैं, जबकि प्लेन का एक्सपीरियंस और रॉकेट का एक्सपीरियंस सेम नहीं कर रहा। तो इनका ये जो ये प्लेन कंपनी बना चुके हैं, वर्जिन एयरलाइंस है, तो उस हिसाब से ये सोच रहे थे, लेकिन ये स्पेस वैसा नहीं है, उतना आसान नहीं है, तो इसलिए ये आया उतने स्पीड से और खुश हो गया है। लाइक काम चल रहा है, लोगों ने पैसा दिया हुआ है, लोग वेट कर रहे हैं, शायद ये लोग सही में बना ले, लेकिन अभी नहीं होने वाला, इसमें गाड़ी दे रहे हैं। फिर हम लोग बात करते हैं स्पेस एक्स के बारे में। तो स्पेस एक्स का तो पता ही है, इलॉन मस्क तो काफ़ी भावना, और ये खुद भी ट्राई कर रहे थे मार्स पे जाने का, मतलब इन्होंने बाद में बोला कि पहले नासा के पास गए कि भैया हमको ले जाओ, नहीं, फिर बोला ठीक है नासा मेरे लिए ये कर दो, क्या बोलते हैं मतलब एक ग्रीन हाउस हमको मार्स में भेजना है, फिर वहाँ पे हम मतलब वेब कैम से ये करेंगे मतलब लाइव टेलीकास्ट करेंगे फ्रॉम मार्स, वो भी नहीं किया। तो तब इन्होंने गुस्सा के बोला भाई हम अपना ही कंपनी बना लेते हैं। तो आप मेरा यहाँ वीडियो देख सकते हैं सीक्रेट ऑफ स्पेस एक्स के बारे में। तो ये रिसेंटली आए और इन्होंने कहा कि ये बिलियनर इनको पैसा दे रहा है कि भैया तुम अपना रॉकेट बनाओ। वो रॉकेट है BFR, तो BFR काफ़ी बड़ा रॉकेट है, जिसपे भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो BFR बनाने के लिए तिगड़म ये है कि जब स्पेस एक्स अपना रॉकेट बना रहा था, उस उन्होंने स्पेस एक्स का एक पहला रॉकेट बनाया जिसे कहा गया Falcon 1, एक इंजन वाला रॉकेट था। उसके बाद उससे दिखाया, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट किया कि हाँ हमारी टेक्नोलॉजी काम कर सकती, तब जाके नासा ने उन्हें $400 मिलियन दिया कि ठीक है अब आप अपना बड़ा भाई बनाइए, ये अपने छोटे रॉकेट से डेमोन्स्ट्रेशन दे दिया, अब आप बड़ा बनाइए। तो वो बड़ा बनाया Falcon 9। अब BFR बनाने में भी वही होगा, तो लेकिन BFR का कोई छोटा स्टेप है नहीं, तो उनको कूदना पूरा ही पड़ेगा, और नासा तभी पैसा देगा जब एटलीस्ट डेमो देख ले या इतना हद तक मैन्युफैक्चरिंग हो जाए कि हाँ हाँ अब तो ये कंप्लीट होने पे ही है। तो उस कारण से इनको एक पैसा का कमी पड़ रहा है, और आपको पता ही है स्टॉक मार्केट से पैसा उठा नहीं सकते, प्राइवेट कंपनी है, तो इस कारण से इनका ये बिलियनियर का कंट्रीब्यूशन काफ़ी भारी है, मतलब इससे BFR को काफ़ी जल्दी उड़ान मिल सकता है, तो स्पेसएक्स चला जाएगा। और ये याद रखिए कि टूरिस्ट बहुत लोग गए हैं अंतरिक्ष में जो पे करके गए हैं नासा को या पे करके गए हैं रॉस्मोनॉट को, लेकिन ये इकलौते होंगे जो पे करके मून ऑर्बिट करेंगे, चांद पे उतरेंगे नहीं लेकिन चांद के चक्कर काटेंगे, तो ये कारण मतलब ये पहले बन जाएंगे उसके। दूसरा फिर हम लोग बात करते हैं अपने अमेजोन के CEO जेफ बेजोस के बारे में, जिन्होंने ब्लू ऑरिजिन बनाया, ये भी एक सब ऑर्बिटल रॉकेट पब्लिक के लिए बना रहे हैं, और इनका टारगेट है कि ये 2021 में आपको एक सब ऑर्बिटल, जैसे ये सब ऑर्बिटल है वैसे ही जाके ऊपर जाके नीचे ले आएंगे, वो देना चाहते हैं। तो आप बोल गए सब ऑर्बिटल ये भी दे रहा है वो भी सब ऑर्बिटल, हम इसमें क्यों नहीं जाते, इसका टिकट भी तो वैसे ही आएगा, तो सब ऑर्बिटल करना चाहते हैं। तो ये काफ़ी नज़दीक है अपना डिलीवरी डेट के, क्योंकि इनका रॉकेट हो चुका है, रॉकेट टेस्टिंग भी हो चुकी है, मतलब ये बस अब पॉलिश कर रहे हैं, 2-3 और टेस्टिंग के बाद ये कस्टमर ले जा सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि ये प्राइवेट प्लेयर में 3 बड़ी बात हुई। तो आप जो लोग भी इस तरह का स्पेस टूरिज्म पे टाइप करोगे तो आपको खुद ज़्यादा ही इस तरह के वीडियोस मिलने लग जाएंगे, जिसमें मतलब छोटी छोटी कंपनी स्टार्टअप कंपनी है ये सब आ रही है और ये सब मतलब स्पेस टूरिज्म को एकदम एक्सेसिबल बना देगी, इस कंपनी का ये प्लान है, इस कंपनी का वो प्लान है, और काफ़ी कंपनी को दिया, मतलब मैं लिस्ट तो दे भी नहीं सकता आपको, इतने कंपनी मुझे ही मिल गया, 4-5 तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, लेकिन इन सब के बारे में जितना मैं डिटेल से देखता हूँ मुझे उतना ही लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही मतलब है, इनके पास इंजीनियर है साइंटिस्ट है, लेकिन इनका एक रोड मैप पूछोगे कि क्या करोगे, 1 से 20 से 30 वो है ही नहीं, मतलब 1-2 चीज़ स्टेप बीच का पता है, जैसे कि हम Falcon 9 यूज़ करेंगे, ठीक है आप कहाँ ये अपना ये कैप्सूल कहाँ बनाओगे, कौन बनाएगा मैन्युफैक्चरर कैप्सूल बनाएगा, या खुद बनाओगे तो कहाँ बनाओगे, फैक्ट्री कहाँ है, और उसको कैसे वैक्यूम चेंबर बनाओगे उतना बड़ा जिसमें उसको टेस्ट कर सको ढंग से, और मतलब समझ रहे हैं काफ़ी मतलब तिगड़म लगता है, ऐसा नहीं है कि आप रॉकेट बना लिए तो आपका स्पेस स्टेशन बन गया, स्पेस स्टेशन में जो चीज़ स्पेस में रहेगा कंटिन्यूसली उसको बहुत मेहनत से बनाना पड़ता है, मतलब ISS कोई सस्ता चीज़ है नहीं, $400 बिलियन का चीज़ है वो, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से मतलब मैं इनके काफ़ी परेशान हो गया, जितना मैं इनके अंदर रिसर्च करते जा रहा था उतना ही मिल रहा था, हम ऐसे करेंगे हम वैसे करेंगे हम वैसे करेंगे कैसे, मतलब भावनाओं में थोड़ा ज़्यादा ही बजा रहे थे। तो
तो आप इनका देख सकते हैं। होप के मामले में तो ये लोग सोचना है, ये मुझे सिर्फ इस पे होप है क्या कि बिगलो एयर स्पेस एक्चुअली उन्होंने कई मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपना एक इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल डाल के टेस्ट कर लिया है, तो मतलब कुछ तो है इनके पास। लेकिन बाकी सब पे तो मतलब हाँ, मेरे पास इंजीनियर, अरे इंजीनियर थोड़े जाता है, पैसा जाता है, तो इसी कारण से मुझे इन पे उतना भरोसा नहीं है। क्या मैं गलत हो सकता हूँ? बहुत आसानी से मैं गलत हो सकता हूँ, और मान लीजिए कोई इन्होंने सही कर लिया तब तो बल्ले बल्ले, लेकिन अभी तो मैं उस पर पैसा नहीं डालने वाला। तो हम लोग भविष्य में क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो आप ये समझिए, जितना आप बड़ा बनाएंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, इसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल आपका काफ़ी बड़ा योगदान देने लगेगा। तो छोटे छोटे खूब सारे स्टेशन बनाने की जगह पे एक बड़ा स्टेशन बनाना बहुत फ़ायदेमंद होगा, उससे सबको फ़ायदा होगा, मतलब गवर्नमेंट से लेके, छोटी गवर्नमेंट से लेके, प्राइवेट इंडिविजुअल से लेके, आप और मुझे सबको फ़ायदा होगा। तो बड़ा बढ़िया है। फिर हम लोग बात करते हैं एक लार्ज स्टेशन, जो मुझे एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, एटलीस्ट कॉन्सेप्ट के मामले में, ये है गेटवे स्पेस फाउंडेशन जो लगा है, इनका भी आप नीचे देख सकते हैं। ये बड़ा बना रहे हैं, कितना बड़ा, आपको आइडिया देने के लिए ये समझिए कि ये है उसका स्टेशन, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बहुत बड़ा है और ये घूमता है। तो घूमने से ये फ़ायदा हो रहा है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से ग्रेविटी बना रहा है, तो इसका ये आप सेंटर वाला एरिया जो है यहाँ पे जीरो ग्रेविटी, आपको जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करना, आप सेंटर में रह जाएगा। आप जैसे ये इनर रिंग में, ये यहाँ मून ग्रेविटी रहेगी, मतलब 18% ऑफ अर्थ ग्रेविटी। तो वहाँ पे जितने लोगों को मून पे जाना है मून की ट्रेनिंग के लिए, वो वहाँ रुक सकते हैं, जो नासा करना चाहेगा वहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट चला के देख सकते हैं, आपका प्रोब्स कैसे काम करेगा, आपके एक्सकेवेटर कैसे काम, मतलब एक बहुत बढ़िया टेस्ट बेड मिल जाएगा। फिर इसके बाहर वाला रिंग है वो जो है उसमें मार्स ग्रेविटी रहेगी, क्योंकि आप समझिए कितना भी रेडियस से आप जितना दूर जाते जाएंगे ग्रेविटी बढ़ता चला जाएगा, बहुत दूर चले जाइएगा तो अर्थ ग्रेविटी हो जाएगा, हाँ लेकिन उतना बड़ा घुमाने में बहुत ताकत लगेगा, तो इसलिए ये मार्स ग्रेविटी देता है। तो समझिए नासा को ये जगह बहुत फायदेमंद होगा कि यहाँ पे एक्चुअली ये टेस्ट कर पाएंगे कि मार्स में हमारा वाटर फिल्टरेशन सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि आप जमीन पे सब चीज़ सिमुलेट कर सकते हैं, एयर प्रेशर, रेडिएशन, टेम्परेचर सब सिमुलेट कर सकते हैं, ग्रेविटी को छू भी नहीं सकते, यहाँ पे आप ग्रेविटी कंट्रोल कर सकते हैं। इस कारण से इस तरह के प्रोजेक्ट में मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है। और इनकी फंडिंग कहाँ से आएगी, यहाँ पे मैं सारे छोटे छोटे कंपनी को मैं बोलना चाहूँगा कि आप सारे अपने पैसा जुड़ा लीजिए, क्योंकि आप लोग अकेले में से किसी में उतना पैसा नहीं है। $400 बिलियन जैसे ISS के लिए लगा, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बनाइए तो भी लगभग $300-400 बिलियन लग जाएगा, और अगर बड़ा बनाना चाहते हैं तो और लगेगा। तो इस कारण से ये ना कि एक कंपनी अकेले कर लेगी वो थोड़ा सा बचकाना वाला बात है। तो आपको चाहिए एक कॉन्ग्लोमरेट ऑप्शन, मतलब जैसे कि नासा खुद से कुछ नहीं बनाता, नासा के अंदर कई सारे कंपनी काम करते हैं और कई सारे कंपनी के अंदर कई सारे कंपनी काम करते हैं। जैसे नासा कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि भैया ULA हमको रॉकेट दो, तो ULA खुद रॉकेट भी नहीं बनाता, ULA का काम है ठीक है हम नासा को दे रहे हैं सप्लाई, फिर उसके अंदर बहुत सारी कंपनी है, जैसे बोइंग है ULA के अंदर जो काम कर रही है, फिर रॉकेट मार्टिन है, ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी कंपनी, समझ रहे हैं स्टेप है। और नासा जाके SpaceX को भी हो सकता है, SpaceX किया है कि भैया कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अपने ही बना रहे, लेकिन हर एक चीज़ वो भी नहीं बनाता है। तो आप समझ सकते हैं कि खूब सारे कंपनी लगते हैं स्पेस में जाने के लिए। तो एक अगर कोई कंपनी आगे बोलता नहीं हम स्पेस में डायरेक्ट जाएंगे टूरिज्म बनाएंगे, थोड़ा सा सही नहीं बनता है। तो इस कारण से कॉन्ग्लोमरेट का होना काफ़ी फायदेमंद होगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन इस पे, क्या बोलता हूँ, स्पेस टूरिज्म में। आप उम्मीद करता हूँ आपको कुछ अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर ऐसा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं लगा है कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा कि आप कमेंट लिखिए अगले एपिसोड में आप क्या देखना चाहेंगे। और आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, #S2T in Hindi, और अगर आप फ्री हैं तो घंटी बजा दीजिए। आपने मेरा वीडियो देखा ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।